गंधा, वो कुंदन वाला सेट भीतर मत रखना। ऐसे तो सगुन में हम अच्छा खासा जेवर चढ़ाए हैं, फिर भी उन लोगों का कौन भरोसा नव्या को पूरे गहने पहनाकर लाए या नहीं। तुम तनिक नजर रखना, अगर जरा भी लगे कि गहने कम पहने हैं तो तुम ही कुंदन वाला सेट उसे पहनाए देना। बिरादरी वालों को ही कहने का मौका ना मिले कि वाजपेयी खानदान की होने वाली बहू कैसी फटीचर जैसी बैठी है। झटफट अनंत को तैयार करो, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा परिवार तैयार है और दूल्हे का कौनो ठिकाना ही नहीं। अबे जा रे जा, तेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ जो मुझ जैसे लगेगा तू। एक काम करते, तेरे बालों को ना स्पाइक कर। यार रणवीर, मेरे बाल ऐसे नहीं है कि उन्हें स्पाइक किया जा सके। अरे क्या हो गया आज? अरे बॉस, तू मुझ पे छोड़ना यार, टेंशन क्यों लेता है? हे भगवान, मुझे बचा लेना। ठीक है, मैं नव्या से पूछता हूँ कि वो कहाँ पहुंची। हम पहुंच गए। क्या तुम लोग पहुंच गए? मैं अभी नीचे आता हूँ। अनंत अनंत, रुको रुको रुको। वो एक्चुअली हम लोग आधा घंटा जल्दी पहुंच गए। जल्दी आ गए तो क्या हुआ? वैसे भी मुझे तुम्हें देखना है, मैं अभी नीचे आया। बाय। ठीक है बाय। पापा यहाँ क्यों खड़े हैं, बैठिए ना। अरे माफ करना बेटा, हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। दरअसल मुझे लगा कि ट्रैफिक जाम मिलेगा, लेकिन रास्ता एकदम खाली मिल गया तो तुम्हें काफी तकलीफ हुई। तकलीफ किस बात की? किसी गैर का घर तो नहीं, आप ही का घर है। आप बैठिए, मैं पापा और बाबा को बता के आता हूँ कि सब आ गए। वैसे मेरी झल्ली आज बहुत खूबसूरत लग रही। मेरे बारे में क्या ख्याल? बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये बालू का क्या हाल बना के रखा है? रणवीर तू तो मरा आज। आज तुम पहली बार पूरे परिवार से मिल रही हो, सिर तो ढक लिया होता। पूरा आगे तक ढकी है।